श्योर सर, श्योर श्योर जी मैडम इज अवेलेबल सर, जो आपका क्वेरी होंगी वो बात कर सकती हैं सर। पीटर साहब, पहला 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 इनका पॉइंट क्या है? पहला सर इनका है CWSN टॉयलेट्स को देखना। नहीं, उससे पहले भी है ना, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ द स्कूल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 19 सेक्शंस। एक है, टोटल सेक्शन एक है जी। बताइए प्रिंसिपल मैडम, क्या है आपका वर्जन इसमें? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ द स्कूल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 19 एज पर प्रिस्क्राइब्ड डाइमेंशंस एज पर द नंबर ऑफ क्लासरूम्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन एंड फर्दर इंक्रीज शैल बी सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द स्कूल एज पर एफिलिएशन बायलॉज। व्हाट इज योर वर्जन? मैडम पहला पहला पॉइंट आपको क्लैरिफाई नहीं किया है। पहला पॉइंट जो है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड। अभी अभी आपके स्कूल में कितने सेक्शंस हैं फ्रॉम क्लास वन टू क्लास? अभी आपका स्कूल कौन से क्लास तक एफिलिएट? सिंगल सेक्शंस वी हैव, क्लास वन है वन सेक्शन, क्लास टू है वन सेक्शन, अप टू क्लास नाइन वी हैव वन वन सेक्शंस, ईच क्लास है वन सेक्शन। ओके मैडम, टोटल नंबर बताइए कितने सेक्शन है? मैडम जी प्लीज, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं आपके स्कूल में? 9 सर, 9 टोटल, 9 क्लासेस एंड 9 सेक्शंस। अभी आपका स्कूल कौन सी क्लास तक रन कर रहा है? 9th क्लास तक रन कर रहा है जी सर। अच्छा अच्छा, राजन क्या इनका ये फ्रेश एफिलिएशन है? हाँ, सीनियर स्कैनी लाल का है जी। हाँ जी जी, फ्रेश एफिलिएशन है सर ये। अच्छा, फ्रेश एफिलिएशन। हाँ जी, फ्रेश एफिलिएशन अप टू क्लास 12। हाँ जी, हाँ जी जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपके 9 सेक्शन हैं, तो इसमें 9 सेक्शन के रिस्ट्रिक्शन की बात क्यों आ रही है राजन? नहीं सर, 19 सर, नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर 19 सेक्शंस सैंक्शन किए हैं इंस्पेक्शन कमेटी ने सर। ठीक है तो उसमें तो हमारा कोई पॉइंट नहीं है सर, दैट्स ओके विद अस सर। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पीटर साहब। यस सीडब्ल्यूएसएन, यस सीडब्ल्यूएसएन जी। राजन सर वो आउट हो गए हैं मैडम, उनको एक बार इन कर दीजिएगा सर, अलाउ कर दीजिएगा। अच्छा जी, करते हैं सर, करते हैं, करते हैं सर, करते हैं। वो मैडम आउट हो गई, अलाउ करो मैडम को, कहाँ करना मैडम को अलाउ करना, मैडम प्रिंसिपल मैडम कहाँ है? वो लिंक भेजेंगे तभी करेंगे सर, अभी लिंक नहीं आया। लिंक तो क्लिक कर दिया सर हमने, यहाँ हमारे पास नहीं आया सर। आ गया क्या डॉक्टर अनिल? आ गया जी, कर दिया जी हमने, कर दिया। प्रिंसिपल मैडम, आपका फेस थोड़ा कट रहा है, क्लियर कैमरे के सामने आइए आप मैडम जी प्लीज। आपके हाँ, आप ठीक है। हाँ जी आप ठीक है। हाँ जी सर, स्टार्ट प्लीज सर। जी सर, मायसेल्फ अनिल सर, डॉक्टर अनिल। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 5 है, टॉयलेट। हाँ जी सर, स्टार्ट फ्रॉम द एंट्री गेट। वीडियो पॉज हो गया। हाँ जी, आप चलिए, ठीक है। दिस इज
रोड। ये ढंग से मैडम जी जरा क्लियर दिखाइए, जरा व्यू दूर से लीजिए, जरा कैमरा दूर से व्यू लीजिए ताकि रोड नजर आए और गेट नजर आए स्कूल का। ये स्कूल बोर्ड है सर, लेकिन रोड दिखाइए पहले स्कूल। हाँ, रोड कौन सी जा रही है, रोड कौन सी जा रही है स्कूल में, सामने दिखाइए। यहाँ से ये आते आ नहीं रहा, वीडियो पॉज हो रहा है जी। दिस इज द बिल्डिंग मैडम, रोड नहीं आ रही, मेन डोर से मेन गेट नहीं दिखाई, यहाँ नहीं आ रही है, देखिए पॉज हो गया वीडियो, देखिए सर नहीं आ रही, नहीं आ रही अभी, नहीं आ रही, वीडियो पॉज हो चुका है, वीडियो एक बार दोबारा से वो इससे बात करनी है कि इसका ये कर बात करने के लिए, ये वो वहां से करेगी, मुझे तो पता है हमारा ओके प्रिंसिपल सर, मैडम सर बोलिए जल्दी करें या दिखाएं, प्रिंसिपल सर प्लीज। मैं देखता हूँ सर मैं कहाँ पे हैं ना जी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो हम इतना निकालना। हाँ जी सर, क्या हुआ डॉक्टर सर, क्या हुआ जी प्रिंसिपल सर, हेलो जी सर। हाँ जी सर, क्या हुआ प्रिंसिपल सर, मैडम आ नहीं रहा, मैडम मैडम का शायद सिग्नल कट गए होंगे, तो दोबारा लॉगिन कर रही है मैम सर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। पलवल में तो सिग्नल अच्छा रहता है मुझे लग रहा है सर, हम लोग 14 किलोमीटर दूर हैं पलवल से सर, पलवल से मथुरा की तरफ है सर हम लोग। अच्छा, तो अच्छा, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर ये, चारों तरफ फील्ड्स ही हैं, खेती हैं सर हमारे आसपास अभी, इसी वजह से सिग्नल का इशू है, सिग्नल का इशू है। तो हम लोग वाईफाई अंदर तो बिल्डिंग के, तो वाईफाई अपना जो रेडियो लिंक है उसको यूज करते हैं, लेकिन वो बाहर गई होंगी तो रेडियो लिंक डिस्कनेक्ट हो गया होगा सर। अब आ रहा शुरू, अब आना, अब आ रही, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए और जरा इसको थोड़ा। हाँ जी सर, दिस इज द रोड In front of our building. ठीक है जी, ठीक है जी। और आपके बिल्डिंग के आसपास कोई है, लैंडमार्क है, कोई और स्कूल है या खाली खेत है यहाँ पे? नहीं सर, हम खेत, खेती है सर, खेती खेत है सर चारों तरफ। अच्छा जी, ठीक है जी। अब स्कूल का मेन गेट दिखा दीजिए, स्कूल का मेन गेट दिखा दीजिए, और स्कूल का जो बोर्ड लगा है वो दिखा दीजिए जिसपे नाम लिखा हो क्लियर। जरा कैमरे को पीछे ले जाइए, हाँ जी, हाँ जी, पीछे को ले जाइए ताकि क्लियर पिक्चर नजर आ जाए। आ रहा है, साफ आ रहा है। इसमें ऐसा करो ना आप, अब जो ना अपनी स्क्रीन को राइट क्लिक करके फिट टू फ्रेम कर दो। ठीक है जी, ओके सर,
तो उससे उससे जो है ना उससे पूरा आ जाएगा व्यू, जितना ये दिखा रहे हैं इनके मोबाइल से ही ले रहे हैं ये, तो आ रहा है। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है जी, है ना, यस ठीक है जी, ठीक है जी, अब आगे आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो चलिए मैडम जी, अब आगे नेक्स्ट टाइम चलिए। डोर हो गया सर हमारा मेन जो डोर हो गया, हाँ बस जी अब ठीक है, ये देख लिया, अब आगे बढ़िए, यहाँ दोबारा से भी है सर प्रिंटेड, ठीक है जी, देख लिया जी, ठीक है, ओके ठीक है जी। अब ये क्वेरी नंबर टू को सेटिस्फाई करिए, क्वेरी नंबर टू सर, ग्राउंड फ्लोर, हाँ ग्राउंड फ्लोर सीडब्ल्यूएसएन टॉयलेट दिखा दीजिए मैम, बिल्डिंग तो ठीक है, गेट वगैरह है, बाउंड्री वॉल भी दिख रही है जी सर, बाउंड्री वॉल है उनके जी, रैंप है, हाँ जी, हियर इट इज द रैंप, हाँ जी रैंप, ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी सॉरी सर बट वी वेलकम्स यू हियर, कोई नहीं जी। सेकंड क्वेरी फॉर द सीडब्ल्यूएसएन सर जी, दिखाइए सर, दिस इज सीडब्ल्यूएसएन गर्ल्स टॉयलेट, हेयर अंदर जाएं, हाँ जी अंदर जाएं जरा, इस कैमरा राइट हैंड साइड में घुमाइए जरा, कैमरा राइट हैंड साइड में घुमाइए, प्रॉपर है सर, ठीक है जी, बॉयज का, ये गर्ल्स का ना, बॉयज का दिखा दीजिए, दिस इज फॉर बॉयज, बॉयज सीडब्ल्यूएसएन, the grab bar and the this one, हाँ जी ठीक है, इसमें साइड स्पोर्ट लगी है, साइड स्पोर्ट, हाँ जी ये ठीक है, साइड स्पोर्ट ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है जी, सेकंड मेंबर में लाइक टू सी प्रिंसिपल सर, पीटर साहब देखिए, पीटर सर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर आल्सो सर, अभी पीटर सर को देखने दीजिए पहले, वो ओके करेंगे फिर उसके बाद, पीटर सर प्लीज देखिए, आराम से जाने दीजिए फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, ड्रिंकिंग वाटर सीडब्ल्यूएसएन, सी मैम एक्चुअली देयर इज अ डेफिशिएंसी इन योर लेटर दैट नो रैंप्स टू एक्सेस अपर फ्लोर्स, वो अभी लिफ्ट yes. दिखा देंगे सर, अभी इसके बाद में ना, टॉयलेट्स के बाद में लिफ्ट दिखा देंगे सर आपको, ओके एंड देयर इज गर्ल्स यस विद द साइन एंड सीडब्ल्यूएसएन टॉयलेट्स द फुली इक्विप्ड विद द स्टैंड एंड ऑल, दिस वन सर, I think it's okay, sir. मैम एक बार बॉयज दोबारा दिखा दीजिए, हैंग हो गया था वहां पे, ये गर्ल्स का हो गया, बाहर निकलकर बॉयज का दोबारा दिखा दीजिए, ओके सर, पीटर सर आप देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, अपना व्यूज दे दीजिए, देख रहा हूं, ये बॉयज का सर है, पहले वो दिखा दीजिए, साइनेज दिखा दीजिए बाहर से, दिखा दीजिए, वेयर एवर यू एंटर यू प्लीज शो द साइनेज फर्स्ट, साइनेज दिखा दीजिए उसका ऊपर, हाँ हाँ ठीक, थोड़ा क्लियर नहीं है मैम, होल्ड, हाँ होल्ड करके रखिए बस, ठीक है ठीक है ठीक है जी, अभी अंदर दिखा दीजिए, ठीक है, दोनों ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर हो गया सर जी, नाउ फॉर द ठीक है, अभी नेक्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सर, लेटर में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन हमारा सेकंड फ्लोर भी है, वहां पर भी सीडब्ल्यूएसएन टॉयलेट्स हैं, तो वो भी अभी दिखा देंगे मैम आप, और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी के अलावा सीडब्ल्यूएसएन कैंडिडेट्स के लिए ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए क्या प्रोविजन है, लिफ्ट है सर, अभी इसके बाद में आपको लिफ्ट, दिस इज द साइनेज सीडब्ल्यूएसएन गर्ल्स टॉयलेट,
properly stand. मैम थोड़ा होल्ड करके रखिए यहाँ पे पूरा, एक बार वीडियो कई बार ब्लर हो जाता है. नहीं दिखाइए मैडम, पहले आप इतना फास्ट मत करिए. हाँ स्लो दिखाइए. बाहर निकल कर साइनस दिखा दीजिए इसका. डोर बंद करें, साइनस दिखा दीजिए. ये गर्ल्स का हो गया. बाहर निकलिए और बॉयज का दिखा दीजिए अभी उसको. Caring for boys. हाँ जी. This is boys washroom. Yes. For CWSL. Yes. With the picture blur आ रही है, जरा clear है मैडम. थोड़ा स्लो रखें मैम, ब्लर हो जाती है. स्लो रखिए. हाँ आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है. हाँ इतनी स्पीड रखिए बस. हाँ दिस इज द करेक्ट स्पीड. बाहर निकल कर साइनेज दिखा दीजिए बस, क्लियर है. हाँ स्लो, काफी स्लो. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके सर जी. पीटर सर ओके सर. ओके 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 ठीक है. ओके नेक्स्ट. अभी लेफ्ट चलते हैं. The next point, CWSN, is it complete? Huh. The next four, sir? Regarding, sir, one second. Rajiv, sir, regarding the report, urinal, number of urinals, boys' urinals and girls' urinals was a point in your report, previous report. Can you show in this? Yeah, yahan pe urinals dikha dijiye, ma'am. स्लो दिखाओ सर. नहीं ठीक है, स्लो कीजिए. हां हां जी हो गया इसका. एनीथिंग मोर सर? गर्ल्स टॉयलेट में टोटल टॉयलेट दिखा दीजिए. गर्ल्स वॉशरूम सर? हां सारे सारे दिखा दीजिए. फर्स्ट सीडब्ल्यूएसएन है, उसके बाद में जनरल. हां जी दिस इज जनरल वन सर. ठीक ठीक. एंड हियर इट इज इंडियन सीट. एंड अदर वन. हां जी ठीक है जी. वॉश बेसिन और हैंड वॉश. ठीक है ठीक जी. अब नेक्स्ट सर. नेक्स्ट पॉइंट लिफ्ट का है मैम. लिफ्ट यूज करके. ओके सर लिफ्ट अभी दिखा देती हूं. ये ग्राउंड फ्लोर पर है मैडम क्या? ये ग्राउंड फ्लोर पर है? अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं सर. ऑन सेकंड फ्लोर सर. अच्छा जी. इज इट विजिबल नाउ सर विद दिस लिफ्ट? जस्ट आप अंदर जाइए, अंदर जाइए लिफ्ट. जी सर डेफिनेटली. ट्रेवल कर लीजिए मैम, ग्राउंड फ्लोर तक आ जाइए. ओके सर. आफ्टर ग्राउंड फ्लोर सर? या ऊपर से आप नीचे आ जाइए मैडम बाय लिफ्ट. ओके लिफ्ट में शायद. हियर इट इज द ग्राउंड फ्लोर सर. ठीक है सीम्स फाइन. ओके सर. आई होप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इज क्लियर सर. बोथ द पॉइंट्स? जी इट इज क्लियर. इट इज क्लियर. सो वी कैन मूव टू थर्ड थर्ड पॉइंट व्हिच इज कंपोजिट लैग. जी पीटर सर आप एग्री हैं ना इससे? हां सर. पीटर सर ओके ओके थैंक यू सर. ओके ओके ठीक है जी. थैंक यू सर. प्लीज थैंक यू मैम. आप अब सेकंड फ्लोर कंपोजिट लैब में जाएं प्लीज. अगेन बाय लिफ्ट सर? जैसे भी आप कंफर्टेबल. कहां कौन से फ्लोर पर है कंपोजिट लैब? अभी ग्राउंड पे है सर.
लैब भी ग्राउंड फ्लोर पर है? सेकंड फ्लोर पे ही है। अच्छा, कंपोजिट लैब सेकंड फ्लोर पर है। ओके, स्टेयर से चले जाएं मैम, जैसे भी जाएं हम। सर तो जी मुझे लग रहा है हैंग हो गया वीडियो। वीडियो हैंग हो गया सर, शायद दो। इज इट हैंग सर? हाँ, कोई बात नहीं, आप पहुंचिए, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आ गया, आ गया सर जी। लेकिन ब्लूर आ रहा है पिक्चर, यहाँ धुंधला, बहुत धुंधला आ रहा है। होल्ड, थोड़ा सा वीडियो होल्ड करेंगे ना। दिस इज साइंस लैब सर जी। आवर इंस्ट्रक्टर टीजीटी साइंस मिस्टर राहुल। दिस आर द इक्विपमेंट्स। गेट पर खड़े होंगे मैम, टोटल का व्यू दे दीजिए, फिर एक एक करके इक्विपमेंट दिखा दीजिएगा। ओके सर। Sir, what is the area of this lab? So this is approximately 700 square feet, sir. अभी measure भी करवा देंगे सर आपको। इसमें जो मेरा observation है, पीटर साहब और राजीव जी दोनों के इससे मैं share कर रहा हूँ कि जो भी composite science lab होती है या जहाँ पर भी labs होती हैं, वहाँ पर cemented platforms होते हैं। जो पीटर साहब इस बात को agree करेंगे। सीमेंटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये टेबल्स आर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स, दे आर नॉट परमानेंट प्रोविजंस फॉर साइंस लैब्स। एवरी साइंस लैब्स आर हैविंग सीमेंटेड प्लेटफॉर्म्स, जिसको क्या बोलते हैं, जिस पर आपका वॉश मशीन का भी प्रोविजन होता है, वाटर का प्रोविजन होता है, जो गैसेस होती हैं उनका भी पाइपिंग होती है, एंड permanent structures are there for science labs. मैं थोड़ा explain कर देता हूँ। observation है, I don't know कि आप कैसे इस चीज को justify करेंगे, because it is also written in the letter, the composite science lab is not as per norms, no work stations can be seen. तो work station उसी को बोलते हैं जो permanent structures होते हैं science lab में। पीटर साहब, आपका क्या कहना है? Yes, yes, absolutely correct. तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें। बताएं सर। अभी अगर आप नेट पर भी देखेंगे सर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की साइंस लैब्स अवेलेबल हैं सारी सर। ये जो ग्रेनाइट टॉप के हमने जो टेबल्स बनवाई हैं, दीज आर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग लैब के सेटिंग्स को नीड बेस्ड स्टूडेंट के हिसाब से हम जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर उसको। और अगर आप अभी इंटरनेट के ऊपर मॉडल स्ट्रक्चर साइंस लैब देखेंगे तो बहुत तरह के मटेरियल अवेलेबल हैं सर। जो आप परमानेंट का जो आप बात कर रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, जब मैं पढ़ता था तब भी हमने परमानेंट स्ट्रक्चर ही देखे हुए हैं वहां पर सर। लेकिन अभी जो है टाइम चेंज हो गया, मटेरियल भी काफी चेंज हो गए, टाइल्स की जगह अभी ये ग्रेनाइट टॉप लग रहे हैं सर सारे। और मॉड्यूलर इज इन नाउ, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि मॉड्यूलर मेकशिफ्ट होगा, क्योंकि पूरे के पूरे वर्क स्टेशन है। जो नो वर्क स्टेशन कैन बी सीन, पुरानी रिपोर्ट में लिखा है सर, वो इंस्पेक्शन कमेटी का कमेंट नहीं था सर, वो वीडियो में नहीं आए थे, इसलिए नो वर्क स्टेशन कैन बी सीन लिखा हुआ है सर। ये जो सारे वर्क स्टेशन है, जो टेबल हम लोग अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, एंड लेट द एफिलिएशन यूनिट डिसाइड। परफेक्ट है सर, कोई इशू नहीं। योर साइड ऑफ दिस, your version, your point of view will also be taken care of. We will write this thing. Peter sir, report mention कर दीजिएगा जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल है ना। और इसमें इसमें wash machine का provision कहाँ पर है?
सर उनको वॉल के साथ है क्योंकि उसकी पाइपिंग है, उसके लिए वॉल के साथ में उनको रखा गया है, वो फिक्स है। सो वन टू एंड हियर इट इज थर्ड वन। क्या ये रिमोट से सारे नहीं देख सकते किस किस जगह पर हैं ये तीनों, क्योंकि कैमरा ला रहे हैं ना इसे पता नहीं चल पा रहा कि ये है या सारे थोड़ा सा पीछे कर लीजिए मैम। हाँ पीछे ले जैसे पता चल जाए कि एक कमरे में तीन है, और थोड़ा सा पीछे करके अब राउंड ले लीजिए मैम। हाँ जी वन इट इज थर्ड वन सेकंड वन हाँ जी एंड हियर इट इज द थर्ड वन। थर्ड वन ओके जी ठीक है ठीक है। पीटर साहब रिपोर्ट में लिख दीजिएगा कि इनका ये कहना है कि ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है और जो हम लोगों ने देखा है उससे डिफरेंट होता है। बिल्कुल लेट द एफिलिएशन यूनिट टेक अ कॉल ऑन दिस थिंग। क्यों राजन सर? यस सर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन अकोमोडेट एट अ टाइम? राजू सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू कैन अकोमोडेट एट अ टाइम इन द लैब? सर वी कैन अकोमोडेट 40 स्टूडेंट्स। ये जो टेबल्स हैं आपने देखी सर 5x3 feet की हैं, तो 8 टेबल्स हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 40x3 का वर्क स्टेशन बन जाते हैं सर, जिसपे हम लोग पूरे 40 स्टूडेंट्स अकोमोडेट दोनों तरफ करके इनके डबल स्टूडेंट करके उसके ऊपर आप अकोमोडेट कर सकते हैं सर उसमें। जो आपका इक्विपमेंट्स एंड रीजेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर स्टोर्ड। ओके ओके ये स्टोरेज है सर, अभी डिस्प्ले के लिए बाहर रखा हुआ है सारा कुछ। बायो फॉर बायो इक्विपमेंट फिजिक्स एंड दिस इज फॉर केमिकल एंड स्टोरेज सर। हां सम ऑफ द चार्ट्स मेड बाय स्टूडेंट्स। और जो आपका स्टॉक रजिस्टर एक बार वो भी दिखा दीजिए। हां जी सर स्टॉक लैब का कंपोजिट साइंस लैब का स्टॉक रजिस्टर होगा। यस सर हियर इट इज दिस वन सर। जी थोड़ा होल्ड करके चलिएगा, थोड़ा स्लो चले। पीटर साहब एक बार थोड़ा सा देखिए। यस 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 मैं थोड़ा सा कैमरा में फोकस कर लीजिए अच्छे से पेपर। हां तो अगर चाहिए तो मैं आपको इक्विपमेंट लिस्ट अपलोड कर दूंगा सारा। This list is in PDF format available with me. Sir, मैं सारा अपलोड कर दूंगा अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं मेल कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा अभी। Okay. We will suggest. मैम कोई एक आइटम जो सर कहें वो फिजिकल यहाँ पर देखकर और फिजिकल काउंट करवा दीजिए। Definitely. किसी भी एक आइटम पर। मैम बर्नर्स की दिखाइए बर्नर्स। बर्नर्स यस सर। आप स्टॉक रजिस्टर में दिखाइएगा और फिजिकली दिखाइए। बर्नर्स दिखाओ बेटा। बर्नर्स ब्रश ट्राइपॉड स्टैंड के साथ लिखते हैं। कहाँ पे बर्नर निकाले मैम इसमें? बर्नर्स जी अकॉर्डिंग टू योर स्टॉक रजिस्टर हाउ मेनी बर्नर्स आर देयर मैम? सो वी हैव टू ओनली टू। हाँ जी is it sufficient? We have 9 students till now sir. As we have increased the students we have increased this quantity. हमारे पास में
हमारे पास पहला सेक्शन ललित कुमार Any other thing? So material is as per CBSC SOP. जितना जितना quantity है उतना सभी कुछ material होगा sir. And we may have more material as compared to CBSC SOP because NCERT के बिफोर SOPs हमने NCERT को फॉलो किया था तो NCERT की रिलीज की वो भी मटेरियल हमारे पास है काफी मनीष सर सॉल्व क्वेश्चन हां शेयर प्लीज 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 सर जेनी मैम आप दूसरे डिवाइस से भी ज्वाइन कर सकते हैं तो योर नेक्स्ट डेफिशिएंसी सीम्स टू बी लाइब्रेरी सिर्फ सर बाकी लैब्स नहीं चाहिए सर चलो ठीक है जी आप अब नेक्स्ट पॉइंट एड्रेस करें सर नेक्स्ट पॉइंट हाँ जी मैम थोड़ा स्लो रखिएगा यस सर आई एम स्लो न्यूज़पेपर स्टैंड एक बार खड़े होकर से यहां पर टोटल लाइब्रेरी का व्यू दिखा दीजिए मैम लेट्स हैव ए कंप्लीट व्यू हां जी तो शॉर्ट एंड रीडिंग एरिया ये पिछली बार भी सर वीडियो में नहीं आया था इसी वजह से ये डेफिशिएंसी थी सर राइट आप पूरा व्यू दिखा दीजिए यहीं खड़े होके पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा कैमरा स्लो स्लो घुमा दीजिए मैम हां कैमरा के सामने रीडिंग एरिया है सर ऐसा लगता है सर लाइट नहीं है का लाइट नहीं है कमरे में ऐसा लग रहा है मुझे ब्लर पिक्चर सनलाइट बहुत ज्यादा है हां सामने लाइट है सर उसकी वजह से ब्लर पिक्चर है ना पिक्चर भी ब्लर आ रही क्लियर व्यू नजर नहीं आ रहा देख लीजिए कुछ कर सकते हैं तो देख लीजिए सर मैं आगे आके दिखा देती हूं सारी चीजें दिखा दीजिए ये रीडिंग एरिया है सर अराउंड 25 स्टूडेंट का 25 स्टूडेंट का दूसरी तरफ है अपोजिट इसी लाइब्रेरी में ये बुक स्टॉक्स हैं सारे टोटल साइज ऑफ योर लाइब्रेरी व्हाट्स द टोटल साइज ऑफ लाइब्रेरी सर अराउंड 15 मिनट स्क्वायर फीट है सर इट्स क्लियर नाउ क्लियर क्लियर नाउ नाउ इट इज क्लियर नो फ्लरिंग इज देयर राइट को नीता नीतू दूसरी तरफ का सिटिंग एरिया भी दिखाया मैम पिक्चर चलेगी हाँ जी सर यहाँ आवा ठीक है हाँ हाँ ये दूसरी तरफ का सिटिंग एरिया है सर सन रेज दूसरी साइड में है इसलिए उधर से नहीं दिखाई दे रहा था आई वाज इन द अपोजिट डायरेक्शन जी हियर देयर इज पीछे की स्टोरेज भी दिखा दीजिए इसके हाँ आपके पीछे आप देखिए सर This is full library. Hmm. शायद अब ज़्यादा clear होगा सर पहले से? Clear है, clear आ रहा है जी, बिल्कुल सही आ रहा है, clear आ रहा है. What is the total number of books, ma'am? अनिल मैम, books total बता दीजिए. Can you show us the accession register also? हाँ सर. 1525 कंप्लीट हो गया है सर फोकस करें थोड़ा सा मैम फोकस नहीं है आउट ऑफ फोकस
26 सर। कैमरा फ्रीज हो गया मेरा। 15 26 और यहाँ पर आकर 1526 1525 के बाद आपका वीडियो इज स्टिल। वीडियो हैंग हो गया मैम दोबारा से कीजिएगा। ओके सर अभी भी हैंग है। हैंग है थोड़ा पास लेकर जाएं। What is the total strength of your school? Sir, 255 students are here. ये 1525, 26. नीचे दिखा दीजिए 1525. ये 26 नंबर है. एक जो इंस्पेक्शन कमेटी के सिग्नेचर थे मैम वो भी एसबी दिखा दीजिए प्लीज. The day of inspection we had around 1300 plus books sir. तो वहाँ पर उनके signature थे मैम के। So later on we have added 200 something more books. ये उनके signature। थोड़ा zoom करें मैम पास लेके जाएं। कितने number पर थे? 1300 पूरा है? हाँ जी सर पूरा 1300 है। 1300 पर सर उनके signature हैं IC committee के, inspection committee के और आज हमारे पास 1526 books हैं। स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की? 255 दे सेट सर। अच्छा अप टू क्लास 9 यस सर। आई थिंक लाइब्रेरी पब्लिक सर। अब है हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जी सर। टीचर साहब नोट कर रहे हैं ना डिटेल्स? यस जी। सर मैं आपको एक ओवरव्यू ऊपर से भी एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ। दिखा दीजिए सर देखें प्लीज। इज इट क्लियर? आपको क्लियर हो रहा है? पीछे तक है सर ये पूरा का पूरा एरिया हमारा। पीछे ट्रीज है जहाँ बीच में भी है पीछे भी है। आपका स्कूल का लैंड कितना है? एरिया कितना है लैंड का? 2 acres है सर पूरा। अच्छा मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ सर। और ये जो अभी ऊपर से ओवरव्यू दिखाया है प्लेग्राउंड का ये आपका अपना मतलब स्कूल के ही लैंड पर प्लेग्राउंड है? करेक्ट सर। यस सर। ओके ओके सर ये भी इशू इसके साथ भी सेम था कि उस दिन ये वीडियो में नहीं आया था और इसी की वजह से ये ऑब्जेक्शन लगा था कि डजंट हैव डेवलप्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी बिकॉज़ वो इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स पीछे तक पूरा नहीं गए तो कैमरामैन ने भी नहीं लिया था उसको। तो वी हैव 200 मीटर ट्रैक पूरा जो है उसके अलावा खो खो ग्राउंड है और वॉलीबॉल भी है। 200 मीटर का ट्रैक है तो मुझे 200 मीटर का उसके अलावा खो खो ग्राउंड है सर उसके पीछे ही। वहाँ पीछे तक चली जाएंगी मैम अभी आपको दिखा देंगे सर। लेकिन लैंड तो आपकी 2 acres की लैंड में इतना सारा पॉसिबल हो पाएगा? हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल है सर 2 acres लैंड का। You are talking about the 2 acres of land besides the constructed area or including the constructed areas. Ma'am, hang ho gaya, aap kahan pe hain? Sir, main ma'am ki taraf hi ja rahi hu. Abhi bhi hang. It is hang, sir, or मैम अपना आईडी कार्ड दिखाएं।
ये मत दिखाएं मैम प्लीज, सीधा ग्राउंड दिखा दीजिए। टू एफएस स्ट्रेट में है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल एक एज पे उसके हमने बिल्डिंग बनाई और पीछे पूरा का पूरा 2 acre, मतलब जो एंट्रीज से आके देखेंगे तो वो पूरा का पूरा 1 acre है सर उसमें। ये ट्रैक है सर फॉर रनिंग, पहले रनिंग ट्रैक है एंड देन वॉलीबॉल ग्राउंड। ये इधर पीछे से बाउंड्री वॉल है हमारी बैक साइड। जब तक ये स्क्रीन शेयर करके दिखा सर, अब ये वाला आपकी पिक्चर क्लियर आ रही है। This is Coco Ground, sir. Proper. ये पीछे की boundary wall है sir. ये पूरा Coco Ground है हमारा. वो next side की boundary wall है. इसके बाद Coco के बाद volleyball ground है sir. ट्रैक है रनिंग का बीच में से। सर 3 इंडोर गेम्स हमने ली हैं और 2 आउटडोर गेम्स हैं, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स। वॉलीबॉल और इंडोर गेम्स और सर व्हाट आर द इंडोर गेम्स? अभी मैम दिखा देंगे। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, चेस और योगा है, वो अभी वापस जाकर वो रूम दिखा देंगी मैम आपको। हां जी अनिल मैम। हां यस अनिल मैम, तो वापिस आकर वो रूम आप दिखाना रह गया जो इंडोर गेम्स के लिए। मनीष सर और आपके साथ कौन है? यू आर म्यूट, इट सीम्स दैट द लैंड इज मोर, बट इफ दे आर सेइंग दैट इट इज इन द 2 acre लैंड ऑफ इन द प्लॉट ऑफ 2 acre लैंड एंड देन आई वाज अनअवेयर दैट द 2 acre लैंड प्लॉट कैन कंटेन दिस मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस मच ऑफ प्लेग्राउंड एरिया। सर 2 acre लैंड का जो 1 acre का जो विड्थ है ना सर, वो 50 meters है। okay. आप सीधा देखिए 100 meter का ट्रैक तो आप 2 बार कर देंगे तो 100 meter ट्रैक तो वैसे ही हो जाता है सर। अच्छा तो लेंथ उसकी अराउंड मोर देन 160 meters होती है, मतलब 4,000 square meter का कवर एरिया होता है, तो 50 meter है तो 80 meter उसकी लेंथ है। तो डबल तो 100 मीटर ट्रैक तो 200 मीटर ट्रैक तो बहुत आसानी से आ जाता है सर उसमें। चलिए ठीक है, इसलिए सर ट्रैक बिल्डिंग ना स्पोर्ट्स रूम और ऐसे मैं स्पोर्ट्स रूम और दिखा देती हूँ। स्पोर्ट्स रूम दिखा दीजिए। Thank you.
This is the sports stream, sir. Okay, ठीक है. Our PTA ma'am, Mrs. Pavita. There are indoor games, yoga mats, table tennis, carrom, chess. कैरम एक्स्ट्रा है सर, चेस और योगा है हमारी, दो तीन गेम्स हमने ली हैं, टेबल टेनिस, चेस एंड योगा. बाकी कुछ क्रिकेट का, बैडमिंटन के भी है हमारे पास में, बट जो तीन गेम सेलेक्ट की हैं वो टेबल टेनिस, चेस और योगा. सीम्स फाइन, सीम्स फाइन. मैम शॉर्ट पुट और जेवलिन वगैरह वो दिखा दीजिए थोड़ा, एथलेटिक्स का. ठीक है, ठीक है. तो थोड़ा सा मूवमेंट के लिए स्पेस आपको बनानी चाहिए थी. ठीक है सर, विल टेक केयर जी. अभी छोटे बच्चे ही हैं सर और बहुत प्रोफेशनली नहीं खेल पा रहे हैं, तो हमारा एटलीस्ट उनको मतलब जो स्पोर्ट्स पीरियड में हम उनको खिला सकते हैं. अभी जैसे जैसे टीम बनेगी विल लुक फॉर अ बिगर स्पेस फॉर दिस. चलिए अगला पॉइंट देखें. जी सर, अगला पॉइंट में मैडम ही है सर. अगले पॉइंट में तो आई माइसेल्फ, नेक्स्ट पॉइंट आई माइसेल्फ सर. हेड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी इज अ मेल पर्सन. नाउ हु इज द हेड ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी? पहले भी मैम ही थी सर, अब भी मैम है. एक्चुअली अनिल नाम से एप्लीकेशन कमेटी को लगा कि ओके ओके ओके, ये वाली चीज क्लेरिफाई कर दीजिएगा पीटर साहब. यस 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 ठीक है सर, ये रिप्लाई बनाया हुआ है, आप चाहें तो मैं अपलोड कर सकता हूं सर उसको. राजन, इसको रिप्लाई को अपलोड करवाना है क्या? राजन अपना माइक ऑन करें. राजन, आर यू हियर इन द मीटिंग? कॉल करूं क्या सर उनको? हाँ करिए, एक बार करिए. हाँ सर, आप मीटिंग से दूर हैं क्या सर? आपसे मनीष सर, आप अच्छा 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 सर, ठीक ठीक. वॉशरूम गए सर अभी, अटेंडेंट ने रिसीव किया कॉल से. नहीं बैठ जी, सर हमने ये वीडियोग्राफी भी हमें कहा गया था करवाने को, तो इसको भी भेजना होगा आपको, कैसे होगा सर? नहीं, मुझे नहीं लगता है वीडियोग्राफी आपसे, आप करवा करके आप अगर वहां पर प्रोविजन है अपलोड करने का तो आप कर दीजिए. अगर जैसे कि डॉक्यूमेंट पीटर साहब, इनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ओपन कर देना. ठीक सर, ठीक सर. और आई डोंट नो वेदर वीडियोग्राफी का प्रोविजन वहां पर है अपलोड करने का, बिकॉज दिस वीडियोग्राफी विच इज बीइंग डन हियर इन दिस मीटिंग. जो अभी स्कूल से आई थिंक बोथ द मेंबर्स कैन लीव फ्रॉम द स्कूल साइड एंड वी विल हैव सम डिस्कशन पीटर साहब एंड देन वी विल कंटिन्यू. तो राजीव साहब आप लीव कर जाइए, है ना? आप प्रिंसिपल लीव कर चुकी है जी. शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. और मैं अपना पॉइंट दोबारा से, आपने मुझे बोलने के लिए मना किया, फिर भी कहूंगा सर कि लास्ट टाइम वीडियो कवरेज नहीं था. आपने देखा होगा सर, मटेरियल हमारे पास सभी कुछ है. लास्ट टाइम वीडियो कवरेज में इशू आया था सर, बस यही एक इशू. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू. राजन साहब आए कि नहीं?